लेड आयन के टेस्ट करने के लिए हम सोल्यूशन ले लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये हमारे पास लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है, इसको हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। दिस इज कॉल्ड ओएस। इसमें हम डेल्यूट एचसीएल ऐड करेंगे और डेल्यूट एचसीएल ऐड करने पर अगर वाई पीपीटी बनते हैं तो ये बेसिक रेडिकल्स में ग्रुप वन की इंडिकेशन होती है। ये आप देख सकते हैं वाइट कलर के प्रेसिपिटेट ये इंडिकेशन होती है। चूँकि हमने लेड नाइट्रेट लिया हुआ है तो लेड क्लोराइड की वजह से ये वाइट प्रेसिपिटेट्स बने। ये वाइट पीपीटी जो एचसीएल ऐड करने से बनते हैं ये लेड क्लोराइड होता है, और अगर इसको आप हीट करें तो हीट करने पर ये लेड क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। यू कैन सी के जैसे जैसे हमने इसको हीट किया है इससे हमारे पास इसका क्लियर सोल्यूशन बन गया। और जैसे ही अब ये सोल्यूशन ठंडा होता जाएगा तो दोबारा से वो प्रेसिपिटेट जो है वो रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे। अब इस वाइप इस क्लियर सोल्यूशन के अंदर अगर हम ऐड कर दें पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड ऐड करने पर येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस होते हैं लेड आयोडाइड के, तो ये कन्फर्मेशन हो जाती है लेड आयन की। ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब देखें पोटाशियम आयोडाइड ऐड करने से येलो प्रेसिपिटेट हुए हैं लेड आयोडाइड फॉर्मेशन की वजह से, तो ये कन्फर्मेशन है लेड आयन की। अगेन हम सेकेंड पार्ट ले लेंगे उसी वाइट प्रेसिपिटेट्स की जो कि लेड क्लोराइड के हैं, अगेन उसको हीट करेंगे और ये पीपीटी इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। ये हमारे पास देखें जी हीट करने पर लेड क्लोराइड प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए। अब हम इसके अंदर अगर पोटाशियम क्रोमेट सॉल्यूशन ऐड करें पोटाशियम क्रोमेट, तो ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस होते हैं जी। ये आप देख सकते हैं जैसे ही पोटाशियम क्रोमेट सॉल्यूशन इसमें ऐड हुआ है तो लेड क्रोमेट की वजह से ये येलो पीपीटी बन गया। लेकिन ये येलो पीपीटी जो लेड आयोडाइड की वजह से पीपीटी बनते हैं उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये पोटाशियम क्रोमेट ऐड करने पर जो प्रेसिपिटेट बने हैं इसको हम क्रोम येलो कहते हैं, और ये जो प्रेसिपिटेट हैं ये लेड आयोडाइड की वजह से, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। अगर इस क्रोम येलो प्रेसिपिटेट्स के अंदर हम एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो ऐसा ऐसा ये प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं फॉर्मिंग अ येलो कलर सॉल्यूशन। जी ये आप देख सकते हैं जी जैसे एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने इसमें ऐड किया है तो येलो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो डिसॉल्व होंगे फॉर्मिंग, येलो प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो गए हैं फॉर्मिंग ट्रांसपेरेंट येलो सॉल्यूशन। अगर आप और मज़ीद NaOH ऐड करेंगे तो ये बाकी जो आपको नीचे प्रेसिपिटेट्स नज़र आ रहे हैं कुछ ये भी डिसॉल्व हो जाएंगे, तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है। लास्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे लेड आयंस के लिए, उसके लिए अगेन मैं लेड नाइट्रेट जो है उसका सॉल्यूशन ले रहा हूँ OS, और इसमें अगर आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करें तो लेड सल्फेट की वजह से वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। अगेन डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने से ये आप देख सकते हैं वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स, ये भी लेड आयन के इंडिकेशन है।